हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 10 ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम क्लास 12th। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग हेनरीज लॉ। In this lecture is very very important for those students who are preparing for GE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please please like, share and subscribe my channel. तो आज हम लेक्चर नंबर 10 में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन सिखाने वाले हैं हेनरीज लॉ, बहुत ही सरल तरीके से। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सरल हेनरी की डेफिनेशन है जिसे हम बुक में देख करके घबराते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बहुत सारा फालतू का दिया हुआ है इसमें। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का केवल क्वेश्चन आता है हेनरीज लॉ से, ओनली 3 मार्क्स का। और कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनता है वो जस्ट इसके फॉर्मूले से बनता है, और उसके लिए हमें अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज आपको 3 रिकमेंडेड डेफिनेशन है हेनरीज लॉ की, उन हमको तीनों को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल आपको पढ़ना है जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इससे रिलेटेड जो भी इस नोट्स में मैं लिखाऊंगा, एक वर्ड भी इधर भी याद करने की जरूरत नहीं है। 12th क्लियर हो जाएगा, कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज मैं केवल बात करूंगा हेनरीज डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला क्या यूज होता है, और इसमें जो हेनरीज कांस्टेंट है उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगी। तो चलो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के। तो लिखिए हेनरीज डेफिनेशन क्या है, हेनरीज लॉ क्या है। देखिए सबसे पहले मैं मेन हेडिंग आपको बुक में बता दूं जो लिखी हुई है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में ये हेडिंग आपको मिलेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसको क्लियर किया हेनरी ने। इसके अगर हम सामान्य जीवन में बात करें, दैनिक जीवन की बात करें, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जिसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। आज मैं केवल बात कर रहा हूं कि पेपर में क्या आएगा और हमें क्या लिख के आना है। तो आपकी ये हेडिंग है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसको हमें हेनरीज लॉ के द्वारा समझाना है। तो हमें क्या करना होगा, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन अच्छे से तैयार करना है। देखिए सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन डेफिनेशन कौन सी है, तो लिखिए, यहां लिख रहा हूं, हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। देखिए आपको याद भी करा रहा हूं,
दोबारा सुन लीजिए, ये डेफिनेशन आपको हल्की हल्की याद हो जाना चाहिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। देखिए इतनी सरल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये है हेनरीज लॉ, इतना याद करना है। अगर इसको हमें सिंपल वे में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किसको, मोल फ्रैक्शन को। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। बुक्स के अंदर ये आप कैपिटल X के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे एक आई होता है X की तरह ही दिखाई देता है, आप X याद कर लीजिए, फालतू झंझट में ना पढ़िए, कैपिटल X याद कर लीजिए। तो ये है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर कोई गैस है और वो किसी लिक्विड में अगर वो सॉल्युबल होती है, घुलती है, डिजॉल्व होती है, तो कितनी डिजॉल्व होगी और कैसे डिजॉल्व होगी। हर गैस का अलग अलग नेचर होता है। कुछ गैसें जो होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में वाटर में घुलती हैं, जैसे NH3 और HCl, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्युबल होती हैं। और कुछ डाईएटॉमिक गैसें होती हैं जैसे H2, O2, N2 या फिर जीरो ग्रुप की गैस कोई हीलियम, ये कम घुलती हैं। सबका नेचर गैस का अलग अलग होता है, इसी को डिफाइन किया है किसने, हेनरीज ने। तो क्या हुआ ये दोबारा से फिर सुन लो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लिख लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। प्रोपोर्शनल को मैं अगर हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और इसे हेनरी की चूंकि लॉ पढ़ रहे हैं हम, तो हेनरी लॉ में इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है के एच इंटू एक्स। ये हेनरी लॉ का सिंपल सा फॉर्मूला, इससे सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं सभी कॉम्पिटिशन्स के, बताऊंगा आपको निकालना। लेकिन मेन हम थ्योरी को जितना सरल तरीके से पढ़ लेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर इतनी सारी यूनिट को दिमाग में रखे जाना है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, सरल से सरल पढ़ के और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उतने में ही हमारा सारा स्टडी मटेरियल आ जाना चाहिए उसके अंदर। तो ये हमारा हुआ फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू, पी यानी पार्शियल प्रेशर हो गया, के एच हो गया यहाँ पर हेनरी कॉन्स्टेंट, लिख देता हूँ पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन
KH इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। अब आपको मैं हेनरी कांस्टेंट के बारे में बता दूं क्या चीज मिसेस है। हेनरी कांस्टेंट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, सबसे बड़ी बात है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये उस गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैं लिख देता हूं, सॉरी, के एच इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है और गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। गैस कैसी है, जैसा मैंने बताया है कि NH3HCl जैसी गैसें ये ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूबल होती है और H2N2 ऐसी डाई एटोमिक वैसे कम उसमें डिजॉल्व होती है, तो ये इसकी सॉल्यूबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, कौन, KH, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी ये डिपेंड करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं एंड टेम्परेचर, इसके आगे चले KH इंक्रीजेज, KH इंक्रीजेज विद increase in temperature, increase in temperature, KH increases with increase in temperature, therefore solubility decreases, increases in temperature। ये देखिए, solubility decreases, increases in temperature। अगर temperature increase करेंगे तो solubility decrease होगी, लेकिन KH temperature increase करने पर increase होता, तो direct आप समझ लीजिए inversely proportional हुआ। यानी हेनरी कांस्टेंट का और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन हुआ, अगर KH इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा इनमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी इसमें आ गया। इतना सा आपको तैयार करना है। इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस मेन क्या है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन बता दूं आपको कि हेनरीज लॉ के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, गैस जिस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मिला रहे हैं उनमें आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, गैस उस सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये सारी इसकी लिमिटेशंस भी है जिनको अलग से मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन मेन पार्ट हमारा ये है सॉल्युबिलिटी
ऑफ गैस इन लिक्विड, बस इतना सा तैयार कर लीजिए, आपका नोट्स तैयार। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।